क्रिकेट मशहूर तरीन खिलाड़ियों से बड़ी पड़ी है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब के सब ईमानदार भी हों। क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी ऐसी चालाकियां करने की कोशिश करते हैं जो क्रिकेट को जेब नहीं देती। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चालाकियों भरी चीटिंग्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। MS धोनी। पीटरसन के बल्ले से लगा ये एज और फिर धोनी का कैच लेने के बाद जश्न। आपको ऐसे ही लगेगा कि धोनी ने बहुत आला कैच हासिल किया, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही थी। पीटरसन को भी कुछ अजीब लग रहा था, तभी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। आखिरकार रीप्ले चला तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पे MS धोनी शायद ये सोच रहे हैं कि कैमरे ग्राउंड में मौजूद ही नहीं। गेंद ग्लव्स में जाने से पहले सीधा जमीन पे लगी और ये शायद धोनी ने खुद भी देख लिया था, लेकिन उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता थर्ड अंपायर ने पीटरसन को वापस बुलवा लिया और फिर धोनी को समझ नहीं आ रही थी कि शर्मिंदा होना है या हैरान। आप इस वीडियो को एक दफा फिर देखें। मैथ्यू प्रायर। यहाँ पे मिचेल जॉनसन यही सोच रहे होंगे कि ये लंबा छक्का होना चाहिए था और फिर इसकी दोबारा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि इंग्लैंड के खिलाड़ी आउट होने का जश्न मना रहे हैं। जॉनसन को समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है, लेकिन रीप्ले में चीटिंग सामने आ गई। गेंद मिस हुई, विकेट के पास से गुजरी, कोई भी बेल ना गिरी, लेकिन प्रायर ने दरअसल अपने ग्लव से बेल गिरा दी। लेकिन ऐसी चीटिंग भला कैमरे की आंच से बच सकती है? और क्या किसी विकेट कीपर को ऐसा करना जेब देता है? पैट सिमकॉक्स। गेंद को चमकाने के लिए थूक लगाना तो आम सी बात है और इसकी इजाजत भी है, लेकिन जनाब यहाँ तो पैट सिमकॉक्स ने अपने बगलों के पसीना से ही गेंद को गीला करना शुरू कर दिया। वैसे उन्होंने गेंद भी गंदी कर दी और साथ ही साथ चीटिंग भी कर दी। उन्हें लगा होगा कि कोई मसला नहीं, लेकिन तभी एम्पायर्स ने गेंद पकड़ी, खुश की और बॉलर को थमा दी। भला इनको कोई समझाए कि हर जगह का पसीना थोड़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। शाहिद आफरीदी। बिलाशुबा आफरीदी ने पाकिस्तान का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया है, लेकिन बाज़ दफा उन्होंने ऐसी गलतियां भी की हैं जिससे पाकिस्तान का नाम काफी बदनाम हुआ है। जैसा कि एक मैच के दौरान आफरीदी ने बॉल टेम्परिंग करने के लिए पूरी गेंद को ही चबा डाला। ये शायद दुनिया की सबसे अजीब चीटिंग थी जिसमें खिलाड़ी ने 35 कैमरों के सामने ही बॉल टेम्परिंग खुलेआम कर डाली, लेकिन अंपायर्स ने पकड़ लिया और फिर गेंद तब्दील कर दी गई। बाद में आफरीदी का कहना था कि ऐसा मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए किया था। पाकिस्तान ये मैच तो ना जीता, लेकिन आफरीदी पे इसके बाद 2 मैचों की पाबंदी लग गई थी। हार्पर वेस्टइंडीज। इस वीडियो में शायद बॉलर ये भूल गया था कि ग्राउंड में कैमरे भी लगे होते हैं, जबकि दूसरी जानिब खड़े माइकल बेवन कह भी रहे हैं कि कैच नहीं हुआ। आखिरकार अंपायर ने लेग अंपायर से राब्ता किया और नॉट आउट करार दे दिया, लेकिन क्यों? आप इस वीडियो में खुद एक दफा देखें। गेंद नीचे लगी और जनाब बॉलर ने जानते बूझते कैच मांगना शुरू कर दिया। भला ये वाली चीटिंग भी कोई करता है? सौरव गंगोली। वर्ल्ड कप 2003 में गंगोली ने भी बेईमानी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर ऐसा ना हो सका। पहली बात, गेंद गिलक्रिस्ट के बल्ले से नहीं लगी थी। दूसरा, गंगोली की एक्साइटमेंट से लग रहा था कि बहुत आला कैच पकड़ा है,
लेकिन जब रिप्ले दिखाया गया तो पता चला कि गेंद जमीन पे लग के कैच की गई थी। कमेंटेटर भी हैरान रह गए कि किस चीज का आउट मांग रहे हो भाई, जबकि आप खुद देख रहे हो कि गेंद जमीन पे लगने के बाद आपके हाथ में आई है। आप खुद सोचे कि अगर कैमरे ना होते तो क्या ये आसानी से चीटिंग ना हो जाती। जस्टिन लैंगर। इस वीडियो में आप जस्टिन लैंगर की एक ऐसी चीटिंग देखेंगे जिसमें वो तकरीबन कामयाब हो चुके थे। अगर कैमरे ना होते तो वो एक कामयाब चीटिंग कर चुके थे। आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं, एम्पायर्स भी रुक गए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि हुआ क्या है। गिलक्रिस्ट किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी को कुछ नहीं मालूम। रिप्ले दिखाया जाता है, गेंद बल्ले से लगी और फाइन लेग पे जा रही है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हो चुका है जिसने सबको हैरान कर दिया। दोनों जानिब से रिप्ले दिखाया गया, लेकिन कुछ भी अनहोनी नहीं दिख रही। लेकिन अचानक फिर एक रिप्ले में लैंगर विकेट के पास से गुजरते हुए दिखाई दिए और तभी एक बेल भी गिर गई। देखने में ये गैर इरादी लग रहा है, जबकि कमेंटेटर भी इसको गैर इरादी ही समझ रहा है, लेकिन जब मुख्तलिफ एंगल से दिखाया गया तो लैंगर ने जानबूझकर बेल को गिराया था। अगर कैमरे ना होते तो इस चीटिंग को पकड़ना शायद नामुमकिन हो जाता। आपका इस चीटिंग के बारे में क्या ख्याल है? अहमद शहजाद। अहमद शहजाद ने ये जानबूझकर किया या फिर इन्हें पता नहीं चला, लेकिन ये एक ऐसी चीटिंग थी जिसने पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा शर्मिंदा किया था। देखने में बेहतरीन कैच नजर आने वाले कैच को कंफर्म करने के लिए एम्पायर ने रिप्ले देखना मुनासिब समझा और फिर साफ देखने को मिला कि गेंद इनके हाथ से छूटी, जमीन पे गिरी, यहाँ तक कि इनके चेहरे पे भी लगी, लेकिन फिर भी पकड़ने के बाद इन्होंने कैच क्लेम करने की कोशिश की। इन्होंने ऐसा क्यों किया कोई नहीं जानता। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? स्टीवन स्मिथ, बेन क्रॉफ्ट एंड डेविड वार्नर। ये क्रिकेट में की गई ताजा तरीन चीटिंग है। इस चीटिंग के बाद डेविड वार्नर, बेन क्रॉफ्ट और स्टीवन स्मिथ तीनों को लंबा चौड़ा बैन बर्दाश्त करना पड़ा। वार्नर और स्मिथ को अच्छी खासी बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में स्मिथ और वार्नर ने एक नए खिलाड़ी को बॉल टेम्परिंग की जिम्मेदारी दी और इसने ये कैसे किया आप खुद देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद कैमरे की आंख ने सब कुछ देख लिया, जिसकी वजह से स्मिथ को रो रो कर माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन क्रिकेट में चीटिंग करने पर कोई माफी नहीं दी जा सकती। दोस्तों, आपका इन चीटिंग्स के बारे में क्या ख्याल है और क्या इनके अलावा भी कोई इस कदर संगीन चीटिंग्स की गई हैं? अगर हाँ तो कमेंट में उनके बारे में बताएं।